सिट्रस चंक बनाने के लिए मैंने पोलो ले ली है। ये पोलो मिंट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, मैंने ये ली है। मैंने ऐसे 5 मिंट्स ली और उसे इस तरीके से मैंने कूट लिया। देखिए ऐसा पाउडर बन गया है इसका। 5 मिनट से ये लगभग 1 टेबलस्पून जितना पाउडर बना है। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, उसके अंदर मैं 1 कप प्लस 1/4 कप व्हाइट चॉकलेट ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोडे कंपनी की व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट का उपयोग किया है। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। मैं ये सारी सामग्री को गैस पर कुक कर लूंगी। ये रेसिपी बनाते वक्त मैं आंच को एकदम स्लो रखूंगी। हमें चॉकलेट को धीमी आंच पर कुक करना है, वरना व्हाइट चॉकलेट जो है वो कम्प्लीटली जल जाएगी अगर हमने आंच को ज्यादा तेज रखा तो। जब हमारा मिश्रण बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी पे पहुंचे, मैं आंच को बंद कर दूंगी। देखिए दोस्तों, चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। बिल्कुल यही स्टेज पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी। इसे थोड़ा सा स्टर कर लूंगी ताकि जो भी लम्प्स बचे हैं वो सारे इसमें मेल्ट हो जाए। अब मैं इस मिश्रण के अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर डाल दूंगी और सारी सामग्री को मिक्स कर लूंगी। हमने जो पोलो को ग्राइंड किया हुआ था, हाथ से कूटा था, मैं उसे इसके अंदर डाल दूंगी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना पाउडर है। 1/2 टीस्पून ऑरेंज इमल्जन। मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, मुझे ये कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट जेल कलर के ड्रॉप्स डाल दूंगी। 4 से 5 व्हाइट जेल कलर के ड्रॉप्स। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून एप्रिकॉट के पीसेस डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने टर्किश ड्राई एप्रिकॉट लिया है। हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। अब मैं इसे मोल्ड में पोर कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से एक फिक्स्ड क्वांटिटी लूंगी, एक ही स्पून का नाप रखूंगी। हमें मिश्रण को इस तरीके से शेप देना है। एक बार हमने इसे पोर कर लिया इसके अंदर, फिर मैं इस पर ऑरेंज के जो वेफर बिस्किट्स है उसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, मैं उसे इस पर प्लेस कर दूंगी। बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करते हुए मैं सभी मोल्ड्स को भर लूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने सारे मोल्ड्स को भर लिया है। अब मैं इसे फ्रीजर में 5 से 7 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में सेट कर रहे हैं तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे फ्रीजर से निकाल दिया है। मैं आपको ये अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही आसानी से ये अनमोल्ड हो रहा है। देखिए, इसे अनमोल्ड करना बहुत ही आसान है। देखिए, सब अनमोल्ड हो गए हैं, अच्छे तरीके से अनमोल्ड हो गए हैं। आप इसकी शाइन देख सकते हैं। देखिए, मैं इसे सजाने के लिए थोड़ा सा व्हाइट ग्लिटर का उपयोग करूंगी। देखिए, सभी चॉकलेट्स पर ग्लिटर लगा लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं इस पे व्हाइट चॉकलेट ड्रिजल कर लूंगी। मैं ये सभी चॉकलेट्स को सजा लूंगी। मैं इसकी राइट कॉर्नर पे थोड़ा सा वर्क लगा लूंगी। देखिए, इस तरीके से वर्क लगाने के बाद मैं एक व्हाइट चॉकलेट का ड्रॉपलेट बना लूंगी उसके ऊपर। उसके ऊपर थोड़े से ऑरेंज वर्मासली लगा लूंगी और शुगर डेकोरेशन का एक व्हाइट फ्लावर उस पर सजा लूंगी। यही स्टेप्स फॉलो करते हुए मैं सारी चॉकलेट्स को सजा लूंगी। देखिए, मैंने सारी चॉकलेट्स को सजा लिया है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ।
सिट्रस चंक बनकर तैयार है।